फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो धारा हो गई है तैयार स्कूल जाने के लिए और धारा ने आज थोड़ा सा मेकअप किया है और चनिया चोरी पहनी है। तो धारा आज बहुत खुश है और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि धारा कितनी सुंदर लग रही है। टिक के मेरे से क्यों, धारा घूम घूम करके भी दिखाएगी। तो चलिए दिखाती हूँ, और मुझे बहुत सारे काम है, मैं आधे पौने घंटे से लगी हुई हूँ धारा को तैयार करने में। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। सारे हो गए हैं और धारा भी स्कूल से आ गई है। तो आज हम जाने वाले हैं दोपहर को माल बाबा के मंदिर, और अभी दोपहर का खाना पीना सब कर लेती हूँ, उसके बाद हम जाएंगे। तो चलिए, सुबह तो आप लोगों से बात हुई थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को बता देती हूँ और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो मानव भी जाने वाला है, देखो वहाँ पर बैठा है आलसी। तो चलिए आप लोग ऐसे वीडियो में बने रहना। हेलो फ्रेंड, तो दोपहर का खाना पीना हो गया है और मैं और मानव दोनों ही जा रहे हैं माल बाबा के मंदिर चल के। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ माल बाबा के मंदिर दर्शन करने के लिए, और बीच बीच में मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती रहूंगी, तो आप लोग भी देखते रहना और माल बाबा के दर्शन भी करवाऊंगी, हो पाए तो। आज बहुत ही भीड़ होती है वहां पर, तो चलिए चलते हैं, आप लोग भी मेरे साथ वीडियो में बने रहना। बजरंग दल वाला। तो चलिए अभी हम आधे रास्ते में पहुंचे हैं, अभी आधा रास्ता काटना है, तो चलिए चलते हैं आगे, आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहना। तो देखिए अभी यहाँ पर बन रही है गर्मा गर्म आलू चिप्स, और ये सारे मेंबर है रणुजा ग्रुप के, ये रणुजा ग्रुप से जाने जाते हैं और ये हमारे शहर का ही ग्रुप है। तो ये हर सोमवार को यहाँ पर जितने भी पदयात्री निकलते हैं माल बाबा के दर्शन के लिए, उनको गर्मा गर्म चिप्स खिलाते हैं या चिवड़ा होता है, हर सोमवार को अलग अलग शायद चीज़ें बनाकर ये सबको खिलाते हैं। तो अभी मानव और उनका दोस्त दोनों भी यहाँ पर पहुँच गए थे, तो वो खाएंगे गर्मा गर्म चिप्स, और मुझे नहीं खानी थी तो मैं यहाँ पर खड़ी थी और उनसे बातें कर रही थी। तो अभी हम सब यहाँ पर खड़े थे, मैं मानव से पूछ रही थी कि तुम्हें कितनी चिप्स खानी है, आधा किलो या एक प्लेट खाओगे? तो वो बोल रहा था पता नहीं, एक चखूंगा फिर बताऊंगा कितनी खाऊंगा और कितनी नहीं। तो अभी तो देखिए कितने सारे लोग आ रहे हैं और सभी को बुलाते हैं और ज़बरदस्ती खिलाते हैं, बिठाते हैं और गर्मा गर्म ही सर्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि बनाकर रख दी और ठंडी हो गई, जैसे जैसे लोग निकलते हैं और वैसे वैसे प्लेट लेकर बैठते हैं और चिप्स खाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, और पानी भी रखा है। तो देखिए मसाला चिप्स बनके तैयार हो गई है, तो मानव यहाँ पर खा रहा है और मैं जाऊँगी आगे। तो देखो पानी की सुविधा भी रखी हुई है, जैसे कि किसी को दिक्कत ना हो। अभी मानव रुका है वहाँ पर चिप्स खाने के लिए, मुझे चिप्स नहीं खानी थी क्योंकि वहाँ पर सभी को रोक के खिलाते हैं, रास्ते में कई सारे स्टॉल आते हैं तो चाय ठंडा चिप्स और बहुत सारी चीज़ें रास्ते में देते हैं, मैंने आपको जैसे आगे कहा था। तो अभी मानव वहाँ पर रुका है और मैं आगे जा रही हूँ, तो मानो मेरे साथ जॉइन हो जाएगा। तो चलिए ऐसे ही वीडियो में बने रहना। बस अब हम पहुंचने वाले ही है, देखो मानव आगे जा रहा है, चलो देखो मानव रुक गया है और अभी माल बाबा का मंदिर सामने ही दिखाई दे रहा है, बस अब 5 मिनट का ही रास्ता है। तो चलिए चलते हैं आगे और वहां जाकर मिलती हूँ आपको, आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहना। तो देखो कितनी सारी बाइक रखी हुई है और ये यहाँ पर है मेला लगा हुआ, तो आप देख सकते हो बहुत सारे स्टॉल लगे हैं कपड़ों के, खाने पीने के, खिलौने और छोटी बड़ी चीज़ें, सभी चीज़ आपको इस मेले में मिल जाएगी। सुबह से लगातार बारिश हो रही है फिर भी इतनी भीड़ है, तो आप सोचिए जब बारिश नहीं होगी और बारिश के बिना भी कितनी भीड़ होगी, बारिश में इतनी भीड़ है। तो यहाँ पर खिलौने हैं और बहुत सारे लोग, और अभी शाम के 4:30 बजे है, हम 2 बजे घर से निकले थे और 4:30 बजे हम मंदिर पहुंच गए थे। हमारे घर से माल बाबा का मंदिर 11 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हम आराम से चल के आए थे क्योंकि कोई जल्दी नहीं थी और धूप भी नहीं थी, पर पूरे रास्ते में बारिश थी, थोड़े में बारिश हो रही थी थोड़े में धूप हो रही थी, तो ऐसा मौसम चल रहा था, पर कोई नहीं हम माल बाबा के मंदिर पहुँच गए। अभी हम पहुँच गए हैं माल बाबा के मंदिर और आप देखिए कितनी भीड़ है, यहाँ से लाइन लगी हुई है मंदिर तक, जहाँ पर मानव खड़ा है वहाँ से लाइन में लगना पड़ता है, और आप देखिए भीड़ देखो अभी भी भीड़ बढ़ रही है और शाम के 4:30 बजे है। कौन है देखो भीड़ देखो आप, पहले आपने पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया है मंदिर।
अभी आप लोग भी कर लीजिए माल बापा के दर्शन। मैंने तो अच्छे से दर्शन किए और मैंने कई बार आप लोगों को माल बापा के दर्शन भी करवाए हैं, पर मैं आपको सावन के सोमवार के दर्शन करवाना चाहती थी। और आप देख सकते हो भीड़ कितनी है, आपको एक मिनट से ज़्यादा यहाँ पर खड़ा भी रहने नहीं देते क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। आप देख सकते हो बारिश हो रही है फिर भी कितनी भीड़ है। और मंदिर के पीछे ही एग्जैक्ट मेला लगा हुआ है, तो यहाँ से सारे लोग दर्शन करेंगे, चाय पियेंगे और फिर जाएंगे मेला देखने। तो आप देख सकते हो, और ये मेरी बुआ का लड़का है जो हाथ ऊपर कर रहा है, वो तो अभी वो जा रहे हैं मेला देखने, हम भी जाएंगे। ये है भोलेनाथ का मंदिर, तो देखिए भीड़ कितनी बढ़ गई है। तो चलिए तो अभी हम तीनों यहाँ पर चाय पी रहे हैं, और यहाँ से चाय पीने के बाद हम जाएंगे मंदिर के पीछे जहाँ पर मेला लगा हुआ है वहाँ पर। और यहाँ पर मेरे फूफा भी मुझे मिल गए थे क्योंकि ये हर साल यहाँ पर सेवा के लिए आते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं। चाय के स्टॉल पर ये खड़े रहते हैं, तो मैं उनसे बात कर रही थी और चाय पी रही थी। ये मेरे सबसे बड़े फूफा है। तो अभी हम आ गए हैं जहाँ प्रसाद का हॉल है मंदिर के पीछे वहाँ पर, और यहाँ पर चिवड़ा और केले का प्रसाद था। और हर साल सावन के चार या पांच सोमवार होते हैं, तो चारों के चारों सोमवार यहाँ पर प्रसाद दिया जाता है। और कितने भी लोग आ जाए कभी भी ये प्रसाद कम नहीं होता, आपको जितना खाना हो उतना वो देते हैं, और जितने भी लोग आ जाए कभी भी कम नहीं पड़ता। तो चलिए चलते हैं आगे। ये कहाँ से प्रकट होते ये हमें लेने आए हैं, मुझे मानव को नहीं, मानव जाएगा मेला में, मेले में। और मैं अभी जाऊंगी घर, और तारा घर पर है। चलिए तो अभी हम आ गए हैं बाहर, और देखिए यहाँ पर मेला लगा हुआ है और भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और मानव पूछ रहा था कि मेला घूमने जाना है कि नहीं, पर मैंने और इन्होंने मना कर दिया क्योंकि बहुत ही कीचड़ था और फिसलन भी थी, तो हमें नहीं जाना था। और उनकी दुकान भी खुली थी, तो फिर हम घर के लिए निकलने वाले हैं, पर मानव ने कहा कि चलो पहले नदी देख लेते हैं, फिर मैं यहाँ पर मेला घूम लूँगा और फिर अकेले आ जाऊँगा और तुम दोनों चले जाना। तो अभी हम जा रहे हैं नदी देखने, और यहाँ पर देखो खिलौने, कपड़े, छोटी बड़ी राइस, सारी ही चीज़ें इस मेले में थी। तो अभी हम पहुँच गए हैं साबरी नदी के किनारे, और यह है चेक डैम, और आप देख सकते हो पानी कितना तेज जा रहा है। और चेक डैम के ऊपर से पानी जा रहा था और पूरी ही नदी भरी हुई थी। और सामने जो दिखाई दे रहा है वो गांव है, और ये है मेन हाईवे, और साइड में ही माल बापा का मंदिर है। तो अभी मैं और मानव दोनों ही जाएंगे नीचे, और धारा के पापा तो मना कर रहे थे पर हम दोनों गए थे नीचे। धारा साथ में होती तो मैं नहीं जाती क्योंकि धारा को संभालना मुश्किल हो जाता है, और धारा घर पर है। तो अभी देखिए मैं नीचे गई हूँ, और पहले हम जब आए थे तो यहाँ तक पानी नहीं था, हम शायद एक महीने पहले आए थे तो तब यहाँ तक पानी नहीं था, नीचे तक था सामने तक। तो अभी देखो कितना पानी का बहाव बढ़ गया है, और आवाज़ भी इतनी तेज आ रही थी, और कुछ भी आप बात करो बोलो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, इतनी तेज आवाज़ आ रही थी। तो मैं और मानव दोनों ही यहाँ पर खड़े थे, और मैं मानव का मुँह साफ कर रही थी पानी से, और मुझे और मानव को दोनों को ही मन हो रहा था नहाने का क्योंकि यहाँ पर ये बच्चा देखो कैसे मस्ती में नहा रहा था। तो हम दोनों को ही मन हो रहा था, पर क्या करें, तारा के पापा ने मना कर दिया था। तो फिर हम अभी थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे, फिर घर के लिए निकलेंगे क्योंकि धारा और बा घर पर अकेले है, और धारा की तबीयत भी ठीक नहीं है तो इसी वजह से। और अभी 6 बजे है, तो मैं यहाँ पर खड़ी थी और देख रही थी, और धारा के पापा खड़े थे चेक डैम के ऊपर, आप देख सकते हो। फिर हमने यहाँ पर कुछ फोटो खींचे और वीडियो बनाए, और फिर अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। और आप देखिए अभी भी भीड़ बढ़ रही है, 6:15 बजे है फिर भी, आप जहाँ पर भी देखोगे आपको सारे ही लोग ही दिखाई देंगे, और ये मेन हाईवे है। और देखो तो अभी हम जा रहे हैं घर के लिए, और मैं अभी आपको मेला दिखा रही थी।
तो यहाँ पर जंपिंग थी, छोटी बड़ी राइड्स, सारी ही चीज़ें थी। और ये जो हाईवे है ये सोमनाथ की तरफ जाता है, जो पहली ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ दादा की, उनके तरफ। और जो भी सोमनाथ दादा के दर्शन करने के लिए जाता है वो रिटर्न में यहाँ पर रुकते हैं और माल बापा के दर्शन करते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं घर, मैं घर जाकर आप लोगों से मिलूंगी। हेलो फ्रेंड, तो अभी मैं बना रही हूँ पेटीज, और आज हम गए थे माल बापा के मंदिर चल के, तो थोड़ी सी मैं थक गई थी, पर मैंने मानव को कहा था कि मैं तुम्हें रात को पेटीज बना दूंगी, तो ज्यादा नहीं बनाई है, थोड़ी ही बनाई। मैं आपको प्लेट में सजा कर भी दिखाऊंगी, चटनी और मीठी दही दोनों ही मैंने बनाई है। तो यहाँ पर है ये खजूर और इमली की चटनी, और यहाँ पर है मीठी दही जो पेटीज के साथ खाई जाती है। तो अभी मैं यही पर पेटीज फ्राई कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड, तो देखिए पेटीज बनके तैयार हो गई है, और आपको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही गर्म है, तो चलिए सर्व कर देते हैं। यहाँ पर पेटीज बन गई है, तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे खजूर इमली की चटनी और ऊपर से मीठी दही। दही के बिना तो पेटीज अधूरी है। तो लीजिए पेटीज हमारी बनके तैयार हो गई है, तो आप लोग भी आ जाइए पेटीज खाने के लिए। तो ये था आज की रेसिपी। तो आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। कल फिर मिलूंगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।